हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला की तरफ से 55 वैकेंसियां निकाली गई हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए, और इन सभी 55 वैकेंसियों की सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ इन सभी 55 वैकेंसियों को दो पोस्ट के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है ट्रेनी इंजीनियर की, दूसरी कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। अब यहाँ सबसे पहले बात करें ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के बारे में, तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए कुल 38 वैकेंसियां निकाली गई हैं। इन 38 वैकेंसियों को जो है वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बांटा हुआ, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल 21 वैकेंसी हैं और मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए 17 वैकेंसी हैं। ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पे जो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 28 साल रखी गई है, और यहाँ इन सभी 38 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ट्रेनी इंजीनियर की कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए कुल 17 वैकेंसियां निकाली गई हैं, और डिसिप्लिन वाइज अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन के लिए 15 वैकेंसी हैं, एचआर के लिए 1, सिविल के लिए 1। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 साल है। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट को चेक करने के लिए जो क्रूशियल डेट यहाँ पे रखी गई है वो 1/5/2022 रखी गई है, और इन सभी 17 प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसियों को भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर की कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। अब बात करें कैंडिडेट के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और उसके मंथली रेमुनरेशन के बारे में, तो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं उन सबसे 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं उन सबसे पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो कुल वैकेंसियां निकाली गई है 55, ये सभी वैकेंसियां जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसियां हैं। इन सभी वैकेंसियों पे जो ट्रेनी इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे वो इनिशियली 2 साल के लिए किए जाएंगे, और उनकी सर्विस जो है वो अप टू 3 ईयर एक्सटेंड की जा सकती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर जो भी यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे उन सबको जो है वो इनिशियली 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और उनकी सर्विस जो है वो अप टू 4 ईयर एक्सटेंड की जा सकती है। ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनका पहले साल में जो मंथली रेमुनरेशन रहेगा वो 30,000 रुपए महीना रहेगा। दूसरे साल में कैंडिडेट को जो मंथली रेमुनरेशन दिया जाएगा वो 35,000 रुपए महीना दिया जाएगा। थर्ड ईयर में कैंडिडेट का मंथली रेमुनरेशन जो होगा वो 40,000 रुपए महीना होगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी जो फर्स्ट ईयर में मंथली सैलरी होगी वो 40,000 रुपए होगी, सेकंड ईयर में मंथली सैलरी जो होगी वो 45,000 रुपए होगी, थर्ड ईयर में मंथली सैलरी 50,000 रुपए होगी, और फोर्थ ईयर में कैंडिडेट की मंथली सैलरी प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे जो होगी वो 55,000 रुपए महीना होगी। और यहाँ दोस्तों, इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों, बात करें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इन सभी ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसियों पे कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने 4 साल की बीई बीटेक कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन से, मैकेनिकल डिसिप्लिन से या सिविल डिसिप्लिन से, और 2 साल की कैंडिडेट ने एमबीए एमएसडब्ल्यू पीजी एचआरएम कर रखी हो एचआर से फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर, और कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के दौरान कम से कम 55% नंबर आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और कैंडिडेट के पास क्लास नंबर आए हों अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। अब बात करें यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इन सभी 55 वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का जो है वो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके उसकी मेरिट के बेस पे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और आफ्टर इंटरव्यू इन सभी 55 वैकेंसियों पे कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इन सभी 55 वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही यानी कि 17/5/2022 से शुरू हो चुके हैं, और जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो 1/6/2022 तक इन सभी 55 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी डाली हुई है कैंडिडेट को, ये सारे ही डॉक्यूमेंट अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड करने होंगे। अब बात करें यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 472 रुपए रखी गई है, ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 177 रुपए रखी गई है, और उसमें पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। तो दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।